हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका तिमिशाज रियलिटी लाइफ ब्लॉग में। आज मैं आपको अपने घर का व्यू दिखाती हूँ कि मेरा घर कैसा दिखता है और कितने कम जगह में हम लोग एडजस्ट करते हैं। ये देखिए, अभी सप्लाई वाला पानी आ रहा हमारे यहाँ, हम लोग इसी से काम चलाते हैं और यही जब कट जाता है तो हमें बहुत परेशानी होती है। अब ये बाल्टी भर चुका है, निकालो पाइप निकालो। और यहाँ भी पानी भर भर के इकट्ठा करके रखे हैं हम लोग। और छत पे एक टंकी है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये देखिए, हम लोग छत पे आ चुके हैं। ये छत पे एक टंकी रखा हुआ है जिसमें हम लोग पानी भरते हैं। ये देखिए, इस पाइप से यहाँ पानी भरा जाता है। और ये है हमारे छत का व्यू। देखिए, उधर तीन कमरे मौजूद हैं और लेकिन हमारे हिस्से कहिए या फिर हमें एडजस्ट करने के लिए इतना दिया गया है। उधर सारी सुविधाएं मौजूद हैं पर हम लोग उधर रह नहीं पाते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, उधर चापा नल भी मौजूद है। अब चलिए मैं आप लोगों को अपने नीचे का व्यू दिखाती हूँ कि घर मेरा कैसा है। ये देखिए, बहुत ही पुराने ज़माने का घर है ये, हमारा पुश्तैनी घर है। और हम लोगों को रहने के लिए मेरी सास ने बस यही एक कमरा दिया है और इस ठीक के इसके नीचे एक और कमरा है। ये कमरा तो मैं आप लोगों को पहले वीडियो में दिखा ही चुकी हूँ, ये कितनी मुश्किल से इसमें गुजारा हम लोग कर रहे हैं। बस ये टूटने वाला है और टूटने की कगार पे है। और जब इसे मैं बनाने की बात करती हूँ तो सारे लोग मेरे ऊपर भड़क जाते हैं। देखिए हम लोग कैसे एडजस्ट कर रहे हैं इस घर में। बस इस घर को बनाने ही के कारण मेरी सास ने मेरे ऊपर आकर केस कर दिया और केस किए हुए भी साल भर बीत चुका है। बस झेल रही हूँ जैसे तैसे। और मेरी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि मैं, ये देखिए, ये इसे तो आप पहचानते ही होंगे, सुधांशु, सुधांशु का टशन ब्लॉग का जो वीडियो बनाता है, ये मेरा छोटा बेटा। और यहाँ से ये देखिए, ये घर का फ्लोर ये मिट्टी का है जिसे लीपना पड़ता है। यहाँ ठीक ढंग से मेरा सामान भी एडजस्ट नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल से एडजस्ट करती हूँ अपने सामान को। ये देखिए, पटरी सरिया कर, ये आप देख सकते हैं, पटरी सरिया कर हम लोग जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। मेरी सास इसे बनाने भी नहीं दे रही है और ना ही हमें चांस रहने दे रही है। कहते हैं लोग कि ये जो घर दिए हैं रहने के लिए, इसमें से भी तुम लोग छोड़ के यहाँ से जाओ। ये देखिए, लोहे की सीढ़ियाँ हैं जो मेरे पति ने अपने पैसे से लगवाई हैं। अब मैं आपको नीचे का व्यू दिखाती हूँ, चलिए। ये देखिए, और हम नीचे आ चुके हैं इस सीढ़ियों से। अब मैं किचन दिखा रही हूँ आप लोगों को। फिर खाना क्या खा रहा? तुम्हारा सारा वीडियो में तुम खाते रहो। ये देखिए, ये मेरा किचन है, ये भी बस गुजारा करने लायक है क्योंकि बरसात में यहाँ बहुत पानी टपकता है। ये देखिए छत की स्थिति, पुराने ज़माने का पुश्तैनी घर, करीब 100 साल हो चुके होंगे लगभग। देखिए छत की स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है, ये कभी भी गिर सकता है। यहाँ भी सामान जैसे तैसे एडजस्ट किया गया है क्योंकि सामान रखने का जगह नहीं है। ये देखिए, और वो पर्दे से तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि वो हमारा वॉशरूम है। बस इस पर्दे के पीछे मैंने अपने भगवान जी को रखा है क्योंकि पूजा किए बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। बस अब ये
हमारा मेन दरवाजा जो खुलता है डायरेक्ट रोड पे। देखिए बहुत मुश्किल होती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बस जैसे तैसे गुजारा हो रहा है इतने छोटे से जगह पे, और जैसे तैसे रहा जा रहा है, क्या कर सकती हूँ। और ससुराल है, रहना ही होगा। आप लोग ऊपर का भी देख सकते हैं, लकड़ी का घर है और इसी के ऊपर छत बना हुआ है। ये देखिए पुराने जमाने का घर। बस दोस्तों यही है मेरी छोटी सी दुनिया, और इसी में गुजारा करती हूँ जैसे तैसे अपने पति और दो बच्चों के साथ, और जिसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा अंदर से इच्छुक हूँ कि मुझे उधर का भी घर, एक और रूम कम से कम रहने के लिए दे दिया जाए। लेकिन मेरी सास तैयार नहीं है देने के लिए, जबकि वो अकेले रहती है, बस वो और उनके पति। मेरे एक देवर हैं, वो तो बाहर ही रहते हैं। बस बस अब यहीं पे मैं वीडियो एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो हो सकता है शायद लंबा हो जाए, और अगर मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे मेरे चैनल पर कि मैंने ब्लॉग वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया है। इसलिए अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं आगे से सुधारने की कोशिश करूँगी और अच्छी तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी।